नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में गांव की सरकार बनाने को लेकर 11 चरणों में मतदान होना है, जिसमें से 9वें चरण का मतदान संपन्न हो गया है। आपको बता दें कि 9वें चरण में 35 जिलों के 875 पंचायतों में चुनाव हुआ। साथ ही 9वें चरण का परिणाम 1 और 2 दिसंबर को जारी किया जाएगा। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत औंदा प्रखंड अस्थावा पहुंची और वहां के वर्तमान मुखिया सुबोध कुमार से मुलाकात कर ये जानने की कोशिश की कि इस वक्त उनके क्षेत्र में क्या स्थिति है, कितना विकास हुआ है। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत औंदा प्रखंड अस्थावा के मुखिया सुबोध कुमार से। सुबोध जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सुबोध जी बिहार न्यूज में। हेलो सुबोध जी, सबसे पहले हेलो जी सुबोध जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कैसा रहा कार्यकाल आपका, कितना कार्य हुआ क्षेत्र में। जी मेरे ग्राम पंचायत राज औंदा में जी मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत प्रत्येक घरों तक नाली निर्माण एवं पीसीसी ढलाई का कार्य हुआ है। उसके साथ साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था प्रत्येक वार्डों में किया गया है। सुबोध जी, आपके यहाँ पीसीसी योजना पर क्या क्या कार्य हुए हैं? पीसीसी योजना के अंतर्गत नली गली का कार्य किया गया है और इसके अलावे मनरेगा योजना है, इसके तहत भी बहुत सारे गलियों में पीसीसी ढलाई एवं ईंट सोलिंग कार्य तथा नाली निर्माण किया गया है। जी तो सुबोध जी, इस क्षेत्र में कितने वर्षों से सक्रिय हैं आप? जी मैं 2016 में इस ग्राम पंचायत राज औंदा के जनताओं के आशीर्वाद से और उनके सहयोग से मैं मुखिया पद पर निर्वाचित हुआ था। यहाँ की जनताओं ने मुझे भरपूर आशीर्वाद देकर अपने ग्राम पंचायत राज के लिए मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। सचमुच में मैं एक सेवक बनके लगातार 5 वर्षों तक काम किया हूँ। आज भी मैं जनता के बीच में आसानी से उपलब्ध हूँ। जनता जब भी मुझे याद करते हैं, चाहे 12 बजे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी वो याद करते मैं उनके शरण में जाकर उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। जी मुखिया जी, 5 वर्षों का कार्यकाल रहा आपका, 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना पर बात की जाए तो उसके अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिला? आवाज नहीं आ रही है मैडम। आवास योजना के अंतर्गत मुखिया जी कितने लोगों को लाभ मिला आपके यहाँ 5 वर्षों में? 5 वर्षों के दौरान में लगभग 150 से अधिक आवास योजना दिया गया है और जो भी छूटे लोग हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की जो सूची होता है उसमें नाम लोगों का जोड़कर 0 टैगिंग किया गया है मैडम। जी सुबोध जी, इस वक्त आपके यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या व्यवस्था है? जी मेरे ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम औंदा जो पंचायत का मुख्यालय है यहाँ जी एक अस्पताल है। यहाँ जी अस्पतालों में दवा उपलब्ध रहते हैं और सरकारी कर्मी भी उपलब्ध रहते हैं और शिक्षा के अगर की ओर हम लोग अगर चलते हैं तो हमारी पंचायत शैक्षणिक योग्यता में बहुत आगे है। यहाँ के बच्चे और जो हमारे गांव के समाज के जो लोग हैं वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल की ओर भेज रहे हैं। जी और वृद्धा पेंशन योजना की क्या स्थिति है, उसके अंतर्गत लोगों को कितना लाभ हुआ? वृद्धा पेंशन योजना जो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना से सरकार ने इस योजना का जो इसके तहत हमारे ग्राम पंचायत में जितने भी 60 वर्ष के उम्र के जो व्यक्ति हैं उन्हें वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है और यह अस्थावा प्रखंड अंतर्गत औंदा पंचायत अव्वल स्थान लाने का काम किया है वृद्धजन पेंशन योजना में। जी और जल जीवन हरियाली योजना की बात की जाए सुबोध जी, उसके अंतर्गत क्या कुछ कार्य हुआ? जल जीवन हरियाली योजना के तहत मैडम पूरी पंचायत में जो भी पैन पोखर थे उसकी उड़ाही किया गया है। उतना ही नहीं, मेरे पंचायत अंतर्गत ग्राम औंदा में एक शिवालय धाम है, वहाँ पर जो अवस्थित जो तला है उसकी उड़ाही करके उसको सौंदर्यीकरण किया गया है। जी और आपका पंचायत ओडीएफ मुक्त हुआ या नहीं सुबोध जी? जी हमारे ग्राम पंचायत 2017 में ही ओडीएफ हो चुका है।
जी, इस वक्त आपके क्षेत्र में कोई प्रमुख समस्या जो आप बताना चाहेंगे? शैक्षणिक क्षेत्र में मैडम, हमारे ग्राम पंचायत की तरफ से एक बालिका उच्च विद्यालय का मांग हम लोग सरकार से करना चाह रहे हैं, और यहाँ के ग्रामीणों लोगों ने भी आग्रह किया है कि सरकार से कि यहाँ एक बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना किया जाए। जी, तो इस बालिका उच्च विद्यालय की जो आप मांग कर रहे हैं, इसके लिए पूर्व में कोई कार्रवाई भी की है सुबोध जी आपने? जी, हमने सरकार के बीच में कई बार इसकी प्रस्ताव को लाया है। सरकार ने आश्वासन दिया है, आश्वासन के साथ साथ सरकार ने हमारे ग्राम पंचायत उंदा में एक मॉडल उच्च विद्यालय निर्माण करने का काम किया है, लेकिन हमारे पंचायत की आबादी अधिक रहने के कारण यहाँ की जो भी लड़कियां लोग हैं वो दूसरे पंचायत शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाते हैं। ये शर्म की थोड़ी सी बात है। हम लोग इसलिए हमारे ग्रामवासी और हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में एक बालिका उच्च विद्यालय की मांग किया जाए, और हम लोग सरकार से यही आग्रह करते हैं कि हमारे पंचायत में जो भी विकास की योजना है उसे धरातल पर उतारने का काम किया जाए। जी, बहुत अच्छी मांग की आपने। महिलाओं की शिक्षा की, और महिलाएं शिक्षित रहेंगी तो क्षेत्र का विकास आपका संभव है। जी, जी, जी। ये बताइए सुबोध जी कि अगर दोबारा चुनाव जीत करके आते हैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आपकी कोई नई योजना या पुराने अधूरे कार्यों को ही पूरा करना है? ऐसा है मैडम, मैं इस गाँव के लिए, और गाँव के ही नहीं बल्कि अगर कहा जाए तो मैं जब 2016 में यहाँ का पंचायत का मुखिया बना था तो उस समय मेरी बहुत कम ही उम्र था, और मैं इस वक्त कुमारा मुखिया के लिस्ट में मेरा गिनती हुआ करता था। चूंकि मैं यहाँ का अगर मुखिया बना हूँ तो जनता के सेवा करके ही बना हूँ, और जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर अपनी पंचायत की सेवा करने का मौका दिया। मैं यहाँ के जनताओं के लिए लाख लाख अपने दिल से बधाई देता हूँ, अपने अभिभावकों को भी बधाई देता हूँ कि जिन्होंने मुझे युवा पहचान कर मुझे मुखिया बनाने का काम किए, और मैं यहाँ इतना विकास किया हूँ। मैं इसी विकास के कड़ी में यहाँ की जनताओं से पुनः मजदूरी के रूप में आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ, ताकि मुझे पुनः यहाँ इस पंचायत की सेवा करने का मौका मिले, और जो भी जनता हैं उनके दुख सुख में भागीदारी निभाएं। और सरकार से मैं यही मांग करता हूँ कि मेरा पंचायत बाढ़ और सुखाड़ से ग्रसित रहता है, क्योंकि इसी वर्ष में हमारा पंचायत में जो भी किसान लोग धान की फसल किए थे, यानी खरीफ फसल की जो उपज किए थे, सारे बाढ़ के पानी से नष्ट हो गए। मैं किसान से आग्रह करना चाहता हूँ, सरकार से मेरी मांग है, मेरी पंचायत की ओर से मेरी मांग है कि जो भी हमारा जो पंचायत है कभी बाढ़ से ग्रस्त रहता है कभी सुखाड़ से ग्रस्त रहता है, इस पर उस उचित कार्रवाई करके यहाँ की किसानों की समस्याओं को समझा जाए और समस्याओं को सरल किया जाए। जी सुबोध जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार न्यूज़ के माध्यम से हम चाहेंगे कि जो बातें अपने सरकार से जो मांग की है, सरकार उस पर जल्द से जल्द ध्यान दे और उचित कार्यवाही करे। साथ ही बिहार न्यूज़ की तरफ से आपको चुनाव की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत औंदा प्रखंड अस्थावा से मुखिया सुबोध कुमार, जिन्होंने बताया कि अपने 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र के विकास के सर्वाधिक प्रयास किए हैं, हर योजना को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताया कि उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखते हुए जनता एक बार पुनः उन्हें अपना दोबारा जनप्रतिनिधि अवश्य चुनेगी। साथ ही उन्होंने सरकार से इस क्षेत्र में बालिका उच्च विद्यालय की निर्माण करने की भी मांग की है, जिससे कि क्षेत्र की लड़कियों को पढ़ने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़।